सोचो कि आप एक ऐसी कंपनी के मालिक हो जो कि हर रोज ग्रो कर रही है, आपका रेवेन्यू हर दिन बढ़ता ही जा रहा है और कामयाबी आपके कदम चूम रही है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रहा है, बस मार्केट के अंदर अब एक ही कॉम्पिटिटर बचा है और वेट है तो आईपीओ का। जबरदस्त आईपीओ आता है, सभी इन्वेस्टर्स को 56% के लिस्टिंग गेन्स और कुछ ही वक्त में स्टॉक का प्राइस डबल। लेकिन अचानक आपको ये पता लगता है कि आपकी कंपनी के लॉसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आप किसी भी वक्त बैंकक्रप्ट हो सकते हो। अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो जाए तो आपकी क्या हालत होगी। Zomato जिस कंपनी का आईपीओ बहुत ही जोर शोर से निकला था, इफ यू लुक एट द फिगर्स, पिछले 3 साल से ये कंपनी भयंकर लॉसेस में है। 2019 में 964 करोड़, 2020 में 2367 करोड़ और फाइनली 2021 के अंदर 812 करोड़। 15 नवंबर 2021 Zomato का शेयर प्राइस 160 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर था। जिन लोगों ने आईपीओ के अंदर पैसे लगाए और टाइम पर शेयर्स बेच दिए, उन्होंने तो खूब प्रॉफिट कमाया, लेकिन बाकियों का क्या? क्योंकि आज Zomato का शेयर प्राइस उसके इशू प्राइस से भी नीचे आ चुका है। अब सवाल ये है कि अगर लोगों को शुरुआत से ही कंपनी के इतने सारे लॉसेस नजर आ रहे थे तो फिर लोगों ने इतना जमकर इस आईपीओ के अंदर पैसा क्यों लगाया? आखिर Zomato जैसे जबरदस्त फूड डिलीवरी स्टार्टअप का ये हाल कैसे हो गया? क्या Zomato बैंकक्रप्ट होने वाली है? एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसंस हैं जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं? दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय ईटी मनी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। Zomato, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी हम में से ज्यादातर लोग Zomato को सिर्फ एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप के तौर पर ही जानते हैं, और यही रीजन है कि हम लोग कंपनी के बारे में तो जानते हैं लेकिन हाइपर लोकल डिलीवरी इकोसिस्टम के बारे में नहीं। Zomato एंड इनफैक्ट उसके बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स में से एक भी स्टार्टअप ऐसा नहीं है जो आज तक कभी प्रॉफिटेबल हुआ हो, एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये स्टार्टअप्स आगे आने वाले सालों में भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। लेकिन क्यों? और अगर ऐसा है तो फिर ये इन्वेस्टर्स आखिर इन स्टार्टअप्स में करोड़ों रुपए क्यों डाल रहे हैं? वेल, इसको समझने के लिए आपका इन 4 चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, कि Zomato का बिजनेस मॉडल आखिर क्या है। नंबर 2, कि आखिर वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस वक्त डिलीवरी इकोसिस्टम के अंदर आ रही है। नंबर 3, कि कंपनी के वो कौन से फ्यूचर प्लान्स थे जो सारी जनरल पब्लिक को बेचे गए थे। एंड 4th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि कंपनी का फाइनल गेम प्लान आखिर क्या है। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, Zomato इन 6 तरीकों से रेवेन्यू जनरेट करता है। नंबर 1, डिलीवरी चार्जेस। नंबर 2, कमीशन फ्रॉम रेस्टोरेंट्स। नंबर 3, एडवर्टाइजिंग फॉर रेस्टोरेंट्स। नंबर 4, सब्सक्रिप्शंस। नंबर 5, हाइपर प्योर। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर रेस्टोरेंट्स। इन 6 तरीकों से Zomato इस वक्त रेवेन्यू जनरेट करता है। 2021 में कोविड के बाद Zomato को अपने सभी ऑर्डर्स में 75% का जंप मिला। ये साल अभी खत्म भी नहीं हुआ है और Zomato ऑलरेडी अपना रेवेन्यू पिछले साल से डबल कर चुका है। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि अगर ऐसा है तो फिर आखिर स्टॉक प्राइस डेली बेसिस पर क्यों गिरता जा रहा है? सो नाउ पे वेरी क्लोज अटेंशन। ये साल 2021 के Zomato के यूनिट इकोनॉमिक्स हैं, जिसके अंदर लोगों को ये दिखाया गया कि भले ही कंपनी ओवरऑल लॉसेस के अंदर हो, लेकिन पर ऑर्डर बेसिस पर हमारे यूनिट इकोनॉमिक्स प्रॉफिटेबल हैं। जिस चीज को देखते हुए ही बहुत सारे लोगों ने इसके आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट किया। लेकिन इस सब के बीच हाइपर लोकल फूड डिलीवरी स्पेस के बारे में ऐसी कई सारी बातें थी जो आज तक हम सब लोगों से छुपाई जाती है, एंड दैट इज डायनामिज्म ऑफ गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर लोग परमानेंट जॉब्स ना लेकर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर या फिर फ्रीलांस बेसिस पर अलग अलग बिजनेसेस के लिए काम करते हैं। ओला, उबर, स्विगी, Zomato, डंजो, ब्लिंकिट, ये सभी कंपनीज या तो आपको ट्रैवल या फिर हाइपर लोकल डिलीवरी की सर्विसेज देती हैं। तो अब चाहे आप ओला करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाओ या फिर आप स्विगी से कोई भी खाना मंगवाओ, जो फाइनल बंदा है जो कि आपको वो सर्विस रेंडर कर रहा है, वो इन कंपनीज का एम्प्लॉय कभी होता ही नहीं है। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, चाहे ओला का ड्राइवर हो या फिर Zomato का डिलीवरी बॉय, ये सभी के सभी लोग इन कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, इनके एम्प्लॉयज नहीं है, जिस चीज के चलते इन कंपनीज को ये 3 बहुत ही पावरफुल एडवांटेजेस मिलती हैं। नंबर 1, नो फिक्स्ड लायबिलिटीज। इन कंपनीज की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तरफ। नंबर 2, नो अप्रेजल्स। जब भी आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो कुछ टाइम के बाद आपको उसकी सैलरी बढ़ानी ही पड़ती है अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं तो इनका पे कभी भी नहीं बढ़ाया जाता। एंड 3rd, नो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। यूजुअली कंपनीज को एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए काफी सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें इन कंपनीज को नहीं करनी पड़ती क्योंकि इनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो इनके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। लेकिन इस चीज के चलते जहां एक तरफ कंपनीज एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एडवांटेज पर बैठी हुई है, वहीं पर दूसरी तरफ कंपनीज को बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे कि अगर हम सिर्फ हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप्स की बात करें तो वहां
पर भी कंपनीज को ये दो मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। नंबर वन, अनहैप्पी डिलीवरी स्टाफ। एक जोमैटो डिलीवरी बॉय से बात करने के बाद हमें ये पता लगा कि जोमैटो डिलीवरी बॉयज को उनके टारगेट्स के बेसिस पर पैसे मिलते हैं, लेकिन देयर इज अ कैच। सो देखो ये कैसे काम करता है। हर एक जोमैटो डिलीवरी बॉय को उनके टच पॉइंट्स मीट करने पर पैसे मिलते हैं। रेस्टोरेंट से लेकर कस्टमर के घर तक ये हो जाते हैं दो टच पॉइंट्स। अगर किसी जोमैटो डिलीवरी बॉय को 200 रुपए कमाने हैं तो उसे मिनिमम 24 टच पॉइंट्स क्रॉस करने पड़ेंगे, विच इज क्लोज टू 12 डिलीवरीज। सो बेसिकली अगर किसी को जोमैटो डिलीवरी बॉय बनकर दिन का 500 रुपए कमाना है तो उसको मिनिमम 30 डिलीवरीज करनी पड़ेंगी, एंड दैट टू अगर इसमें से एक भी ऑर्डर कैंसिल नहीं होता है तो, जो कि क्लोज टू इम्पॉसिबल है। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि अगर ऐसा है तो फिर ये जोमैटो डिलीवरी बॉयज ये काम कर क्यों रहे हैं, इनको पैसा कैसे आता है। वेल द रियलिटी इज कि ज्यादातर जोमैटो डिलीवरी बॉयज इस वक्त इंसेंटिव बोनसेस पर जिंदा है। सो मान लो अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को मीट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एक जोमैटो डिलीवरी बॉय दिन के 240 रुपीज का टारगेट क्रॉस कर देता है अपनी अर्निंग्स का, उसके बाद उसको 80 रुपीज का बोनस दिया जाता है। लेकिन इसमें कैच ये है कि उसको ये इंसेंटिव बोनस तभी दिया जाएगा अगर वो रात के 11 बजे तक लॉग्ड इन रहेगा और 11 बजे तक काम करेगा तो। एक्चुअली में होता ये है कि ये चीज ऊपर ऊपर से देखने में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी और प्रॉफिटेबल डील नजर आती है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि सिर्फ 300 रुपए का बोनस कमाने के लिए एक जोमैटो डिलीवरी बॉय को मिनिमम 200 रुपए का तेल जलाना पड़ जाता है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर एक और बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो इस वक्त सारे डिलीवरी बॉयज फेस कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। सो बेसिकली जोमैटो अपने डिलीवरी बॉयज को पर किलोमीटर ट्रैवल करने का 4 रुपए देता है। सो फॉर एन एग्जांपल रेस्टोरेंट से लेकर कस्टमर के घर तक डिस्टेंस हो जाता है 5 किलोमीटर, जिस चीज के लिए जोमैटो डिलीवरी बॉय को मिलेंगे 20 रुपए। ये चीज देखने में तो ठीक लग रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब कोई जोमैटो डिलीवरी बॉय टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के अंदर ऑपरेट करता है, क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो लोकल एरियाज के अंदर मौजूद नहीं होते। ज्यादातर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर ये रेस्टोरेंट्स उन लोकल एरियाज से थोड़े दूर होते हैं। सो अब इस केस के अंदर जोमैटो डिलीवरी बॉय पहले अपने लोकल एरिया से उस रेस्टोरेंट तक ट्रैवल करता है, जिसके लिए उसको अराउंड 4 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। उसके बाद वो उस रेस्टोरेंट से पिकअप करेगा खाना और डिलीवर करेगा आपके घर तक, जिसका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, एंड फाइनली आपके घर पे खाना डिलीवर करने के बाद वो वापस अपने लोकल एरिया में आएगा, जिसका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। सो इन टोटल एक जोमैटो डिलीवरी बॉय ने करीब 4+4+5 यानी 13 किलोमीटर ट्रैवल किया। बट यू नो वॉट, जोमैटो इस डिलीवरी बॉय को सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर का ही पैसा देगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू जोमैटो रेस्टोरेंट से लेकर कस्टमर के घर तक सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो ऐसे केस के अंदर जोमैटो डिलीवरी बॉय की कोई अर्निंग ही नहीं होती है। और ये तो कुछ भी नहीं है, जोमैटो डिलीवरी बॉयज कस्टमर की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए गूगल मैप्स का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर गूगल मैप्स एग्जैक्ट लोकेशन शो नहीं करता। होता ये है कि जोमैटो डिलीवरी बॉय लोकेशन पर पहुंचता है, कस्टमर को कॉल करता है और कस्टमर उसे कहीं और ही बुला लेता है, जिस चीज़ के चलते उस डिलीवरी बॉय का 20 से 30 मिनट आराम से ख़राब हो जाता है। और मान लो ऐसा सिर्फ 6 डिलीवरीज में हो जाता है तो एक दिन के अंदर उस जोमैटो डिलीवरी बॉय के 3 घंटे तो वैसे ही बर्बाद हो गए। एंड ऑन टॉप ऑफ इट पेट्रोल से लेकर मेंटेनेंस, टोल फीस से लेकर खाने तक, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस एक जोमैटो डिलीवरी बॉय को अपनी जेब से देने पड़ते हैं। सोचो कि आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि आप उससे सेंचुरी तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे, लेकिन आप स्टिल उससे उम्मीद करोगे और थोड़ी सी उसके लिए दुआ भी करोगे। क्यों? बिकॉज यू लव हिम। लेकिन अगर वो सेंचुरी नहीं भी बनाता तो उससे आपका कोई लॉस नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट वॉट इफ यू फॉल इन लव विद अ स्टॉक? मैंने यही किया था, आई फेल इन लव विद अ स्टॉक, जिस चीज़ के चलते मेरे को नुकसान भी काफ़ी हुआ और मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हुआ और वो स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई कंपनी अच्छी है तो उसका स्टॉक हमेशा आपको अच्छे रिटर्न्स देगा ही देगा। और ये वो जगह थी जब मैं बना एक ईटी मनी जीनियस मेंबर। ये मुझे ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियोज देता है जिसमें ज़्यादातर स्टॉक्स ना सिर्फ हाई क्वालिटी के होते हैं बल्कि साथ साथ वो हाई इन डिमांड भी होते हैं, जिस चीज़ के चलते मुझे रिटर्न्स के लिए बहुत ज़्यादा सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। और क्या है वो रिटर्न्स? वेल, अगर आपने पिछले 15 सालों में कभी भी 7 साल के लिए जीनियस के हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होता ना तो आपको मिलते 22.4% के सालाना रिटर्न्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ट्राई आउट ईटी मनी नाउ। और अब आती है दूसरी प्रॉब्लम, विच इज एग्जिट बैरियर। स्विगी और जोमैटो ये दोनों कंपनीज भी जेप्टो से लड़ने के लिए 10 मिनट डिलीवरी स्टार्टअप स्पेस के अंदर एंट्री ले चुकी है, लेकिन देयर इज अ कैच। जहां पर जेप्टो को खुद को एक्सपैंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डार्क स्टोर्स खोलने की जरूरत पड़ती है, वहीं पर स्विगी और जोमैटो को ना सिर्फ डार्क स्टोर्स खोलने की जरूरत पड़ती है बल्कि उसके साथ साथ अपने फूड डिलीवरी स्पेस को भी मेंटेन करने के लिए उनको पैसा खर्च करना पड़ता है।
विच इज़ बेसिकली कि जेप्टो के पास हमेशा इन कंपनी से ज़्यादा पैसा होगा खुद को एक्सपैंड करने के लिए। मोर ओवर, जहाँ पर जेप्टो सिर्फ और सिर्फ क्विक कॉमर्स के ऊपर फोकस्ड है, वहीं पर स्विगी और जोमेटो चाहकर भी क्विक कॉमर्स के ऊपर अपने फूड डिलीवरी स्पेस को छोड़कर फोकस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा अपने फूड डिलीवरी स्पेस में इन्वेस्ट कर रखा है, जिस चीज के चलते उनके सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जिट बैरियर है। सो बेसिकली क्विक कॉमर्स स्पेस के अंदर सर्वाइव करने के लिए इन कंपनीज के पास सिर्फ दो रास्ते हैं। 10 मिनट में डिलीवरी करना कोई आसान बात नहीं है, जिस चीज के चलते इन सारी कंपनीज को हर 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में अपना एक डार्क स्टोर ओपन करना पड़ता है। सो अगर इनको डिलीवरी टाइम कम करना है और साथ ही साथ अपने डिलीवरी पार्टनर्स की सेफ्टी को भी इंश्योर करना है, तो इन कंपनीज को हर 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर एक डार्क स्टोर खोलना पड़ेगा, जिस चीज़ के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। एंड नंबर 2, एक्सप्लॉइट द वर्कर्स, जो कि ऑलरेडी ये कंपनीज करती आ रही हैं। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि हर एक डिलीवरी स्टार्टअप लॉसेज में है, सारे डिलीवरी पार्टनर्स इन सारे स्टार्टअप से परेशान हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी लोगों ने इन कंपनीज के IPO में पैसा क्यों लगाया? वेल, वन रीज़न, हाइप। लेकिन ये हाइप जोमैटो की ब्रांडिंग की वजह से नहीं, बल्कि जो फ्यूचर प्लान्स लोगों को बताए गए थे उसकी वजह से बनी थी। कंपनी भयंकर लॉसेज में थी, जिस बात का पता ऑलमोस्ट सबको था, लेकिन लोगों के सामने ये दो चीजें रखी गई और इन चीजों को इस तरीके से मार्केट किया गया जो आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 1, हाइपर प्योर, जिस चीज के चलते जोमैटो फार्म टू फोक मॉडल के ऊपर काम करेगा, यानी कि फार्म से लेकर फोक तक पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा, और इसके साथ साथ जोमैटो बहुत सारे क्लाउड किचन भी ओपन करेगा, लेकिन इस चीज में अभी होने में बहुत देर है। एंड नंबर 2, स्ट्रेंथन द यूनिट इकोनॉमिक्स, लोगों को ये बताया गया कि अभी भले ही हम लॉसेस में हो, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग प्रॉफिटेबल जरूर होंगे अपने यूनिट इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करके। लेकिन इन कंपनीज को अगर अपने यूनिट इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इनके पास मेनली सिर्फ ये 3 ही तरीके हैं। नंबर 1, इंक्रीज कमीशंस, रेस्टोरेंट से कमीशन बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली यूनिट इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएंगी। लेकिन इस केस के अंदर बहुत हाई चांसेस हैं कि काफ़ी सारी रेस्टोरेंट्स इन प्लेटफॉर्म से खुद को डीलिस्ट करके अपने खुद के एप्लीकेशंस लेकर आ जाएं, या फिर कोई और कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए और उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएं। नंबर 2, रिड्यूस वर्कर्स पे, जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं उन सब की पे को काट दो, लेकिन ऐसा करने से डिलीवरी पार्टनर्स भी इन सारे प्लेटफॉर्म्स को छोड़ने लगेंगे। एंड 3rd एंड मोस्ट डेंजरस, प्राइस टू डिस्काउंट इल्यूजन, जो चीज़ आज भी लोगों के साथ करी जा रही है। आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट है अल नवाब, जो कि बहुत अच्छी बिरयानी बेचते हैं और मैं वहाँ से रेगुलरली खाता हूँ। नाउ लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली, अल नवाब रेस्टोरेंट, ये अल नवाब रेस्टोरेंट का एक्चुअल मेन्यू है, जहाँ पर हाफ चिकन बिरयानी 130 रुपीज पर लिस्टेड है, और यही सेम बिरयानी जोमैटो के ऊपर पता है कितने में लिस्टेड है? 255 रुपीज। मोर ओवर, अगर मैं जोमैटो से ऑर्डर करता हूँ और मेरे को एक्स्ट्रा ग्रेवी चाहिए, तो मेरे को ग्रेवी के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जबकि अगर मैं इस रेस्टोरेंट से डायरेक्टली खरीदता हूँ, तो मुझे कोई भी ग्रेवी के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये रेस्टोरेंट मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, जिस चीज के लिए जोमैटो मेरे से बहुत हैवी डिलीवरी चार्जेस लेता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं रेस्टोरेंट से डायरेक्टली ऑर्डर करूँ, तो मेरे को कोई भी डिलीवरी चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ आपके सामने है। अगर मैं जोमैटो के थ्रू अल नवाब से अपनी बिरयानी मंगवाता हूँ, और वो भी 60% के डिस्काउंट कूपन लगाने के बाद, तब भी मुझे इस बिरयानी की कॉस्ट 170 टू 180 रुपीस मिनिमम पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, मैं ये सेम बिरयानी अल नवाब को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके 130 रुपीस में ला सकता हूँ। और इससे भी बड़ी बात, जहाँ पर मुझे जोमैटो से ऑर्डर करने पर कम से कम 40 मिनट अपने खाने का वेट करना पड़ेगा, वहीं पर अल नवाब को डायरेक्टली फोन करके मैं ये ऑर्डर सिर्फ 15 से 20 मिनट में बुलवा सकता हूँ। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिया गया डिस्काउंट कोई डिस्काउंट नहीं, बल्कि एक इल्यूजन है। इन सिंपल वर्ड्स, एक धोखा है। स्विगी, जोमैटो हो या ओला उबर, गिग इकोनॉमी के ज्यादातर स्टार्टअप्स हम सबका कंज्यूमर बिहेवियर बदलने में लगे हुए हैं। एंड यस, दे आर सक्सेसफुल। आज शायद ही कोई है जो रेस्टोरेंट जाकर अपना खाना पिकअप करने का सोचे, लेकिन यू नो व्हाट, हम में से कोई भी स्विगी या जोमैटो से अटैच नहीं है, बल्कि हम लोग इनके दिए गए डिस्काउंट से अटैच हैं। यानी कि किसी बंदे को अगर स्विगी पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो स्विगी से ऑर्डर करेगा, जोमैटो पे मिल रहा है तो वो जोमैटो से करेगा। आज की डेट में कस्टमर किसी भी कंपनी का सगा नहीं है। सो इन सिंपल वर्ड्स, हम में से कोई भी ब्रांड से नहीं, बल्कि उनके दिए गए डिस्काउंट से अटैच्ड है, जो कि इन रियलिटी एक धोखा ही है। कंज्यूमर अवेयरनेस दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, और जैसे ही कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आएगा, बहुत हाई चांसेस हैं कि डिलीवरी पार्टनर्स से लेकर कस्टमर्स, हर कोई इन स्टार्टअप्स को छोड़कर उस कॉम्पिटिटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ जानते हुए भी ये सारे इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपए इन स्टार्टअप्स को क्यों दे रहे हैं? जोमैटो ब्लिंकिट की डील आखिर हुई क्यों थी? वेल, लेट मी टेल यू, इन सारी चीजों के पीछे एक ऐसा गेम प्लान है जो कि आप और मेरे जैसे आम लोगों की नजर में कभी आता ही नहीं है।
एंड दैट इज GMV पंपिंग। स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर नहीं बल्कि उनके GMV के बेसिस पर होता है, यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, इन वेरी सिंपल वर्ड्स रेवेन्यू। साल 2021 जेप्टो आया और भारत में क्विक कॉमर्स की शुरुआत हुई। जेप्टो से पहले ना तो स्विगी और ना ही जोमैटो, इनमें से किसी को भी 10 मिनट में डिलीवरी करने की जल्दी नहीं थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि ये सब लोग फूड डिलीवरी स्टार्टअप सेगमेंट को छोड़कर अब क्विक कॉमर्स के सेगमेंट के अंदर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? और यही वो जगह है जहां से GMV का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। सो अगर आप बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करो तो क्विक कॉमर्स के सेगमेंट के आने से पहले जब स्विगी और जोमैटो से फूड डिलीवरी करते थे तो उस टाइम पर इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू साइज था 250 रुपीज टू 350 रुपीज। लेकिन क्विक कॉमर्स के अंदर एंट्री लेते ही इनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू साइज है वो बढ़कर 600 से 900 रुपए तक पहुंच चुका है। सो क्विक कॉमर्स के अंदर एंट्री लेकर चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू साइज है वो बढ़ चुका है, जिस चीज के चलते कंपनी का रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो चुका है। एंड एज अ रिजल्ट जैसे जैसे रेवेन्यू पंप होता जाएगा वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली पंप होती जाएगी। सो इन बेस्ट केस जो इन्वेस्टर्स हैं या तो वो बाकी नए इन्वेस्टर्स को अपना स्टेक बेचकर निकल जाएंगे या फिर आप और मेरे जैसी जनरल पब्लिक को। और ये सब कुछ लेकर आता है हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज की तरफ, वो कौन से पावरफुल लेसन्स हैं जो हमें इस केस स्टडी से सीखकर अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लेसन, लर्न टू रीड द साइड्स। जब भी आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप हमेशा उस चीज की सारी साइड्स को एक्सप्लोर करो, क्योंकि इन 99% ऑफ द केसेस आपको उस इन्वेस्टमेंट की सिर्फ वो साइड दिखाई जाएगी जो कि आपको देखने में अच्छी लगे। न्यूज में पढ़कर कि स्टार्टअप की इतने करोड़ की वैल्यूएशन हो गई, कभी भी उस स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करो। रादर डिग डाउन एंड डू योर ओन रिसर्च। इसके साथ साथ आप उन लोगों से भी बात करो जो किसी ना किसी वे में उस स्टार्टअप के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि वहां से आपको वो सच पता लगेगा जो आपको बताया नहीं जा रहा। सेकेंड लेसन, क्वेश्चन एवरीथिंग एंड रिपीट। एक स्टार्टअप फंडिंग उठा रहा है, क्यों उठा रहा है? आखिर वो उस फंडिंग के साथ करने क्या वाला है? क्या जरूरत है उस स्टार्टअप को फंडिंग उठाने की? कोई स्टार्टअप दूसरे स्टार्टअप को बाय आउट कर रहा है, क्यों कर रहा है? आखिर इस डील के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें बताई नहीं जा रही हैं? क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये करते करते आपको इस प्रोसेस के अंदर ना सिर्फ वो चीजें जानने को मिलेंगी जो आपसे छुपाई जा रही हैं, बल्कि आपको वो सारी चीजों के बारे में भी मालूम पड़ेगा जो किसी को भी मालूम ही नहीं है। हर कंपनी के राज होते हैं और ऐसे ही कुछ राज टाटा ग्रुप के अंदर भी है। टाटा ग्रुप के अंदर एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में बाकी लोग तो छोड़ दो, खुद टाटा ग्रुप भी बात नहीं करता है, लेकिन यही एक कंपनी टाटा ग्रुप को एक इतनी पावरफुल एडवांटेज देती है जो बाकी किसी भी बिजनेस ग्रुप के पास है ही नहीं। कौन सी है वो कंपनी? आखिर इस कंपनी के अंदर ऐसे क्या राज छुपे हुए हैं? वेल, अगर ये राइट वाली वीडियो देखोगे ना तो जान जाओगे।